रामलखन कपड़ा मिल में जो काम करते हैं उनका घर कहाँ है? रामलखन का घर यही है, लेकिन वो ड्यूटी पर गए। कब आएंगे? 4 बजे। 4 बजे? ऐसा करो खां, तुम यहां बैठ जाओ, पानी वानी पी लो। बैठ। अरे पप्पू, जरा पानी लेके आना और बाई को भी पिला देना। क्यों भैया, क्या उसी के गांव के हो? हाँ भैया। लाओ खां, सिगरेट देना एक। यहाँ क्या शादी वादी में आए हो? नहीं, काहे की शादी, अब तो यहीं रहना है, कुछ काम ढूंढेंगे। क्यों भैया, गांव में क्या करते थे? कहा बताएं भैया, गांव में जमीन थी अपनी, बहुत नहीं, खा पी कर सुखी थे। और अब जा हालत है कि इस उम्र में शहर आए हैं काम तलाशने। क्यों, क्या हो गया? शादी हती हमरी छोरी की, एक ही छोरी है हमरी, शादी के लिए कर्जा लिए, दामाद कलेक्टर साहब की चपरास में है, गांव में एक जमींदार हैं, बहुत बड़ी आसामी है, उनका एक लड़का है सुरेश, हम उनसे बात किए, वो बोले कर्जा हम दे देंगे, ब्याज व्याज भी नहीं लेंगे। कहन लगे गांव की छोरी है, काहे का ब्याज, शान से करो शादी। पर उनका मुनीम हमसे कागज पर अंगूठा लगवा लिए, अब हम ठहरे निरक्षर देहाती, हम अंगूठा लगाई दिए। कती बात है भाई? 3 साल भय, हम भी ईमानदारी से हर फसल पर पैसा चुकाते रहे, मुनीम भी कहता रहा पैसा चुक रहा है, चुक रहा है। अब के साल जब हम फसल काटने पहुंचे तो बुला रहा हूं। काहे काजे? इसे बुला रहा। अरे ओ काहे, हर नहीं आती दूसरे खेत की फसल काटते? कहे तेरे बाप का खेत है? का मजाक कर रहे हो? दूसरे का खेत कैसे? मजाक कर रहे हैं? ये खेत 3 साल पहले बेच चुका तू सुरेश बाबू को। अरे कहाँ बात कर रहे हो? अरे क्या है? अरे बात क्या है? अरे अरे साले कुत्ते को मैं बता मत कर। कहा हरिया काका, बात क्या है? पढ़ा रहे साले कुत्ते को, चलो। बंदे छिदल के मर डाला मरे बड़ों में। छोटे भैया, ये देखो तुम्हारे आदमियों ने मेरे साथ क्या किया। क्या किया मेरे आदमियों ने? भैया मैं कटाई करन पहुंचा तो मुझे रोक दिया, और देखो कुछ कहा तो लठ चलाने लगे, कहने लगे सुरेश भैया के खेत में फसल काहे काट रहे हो। ठीक ही तो है, उनका तो काम ही यही है।
दूसरों खेत की फसल काटोगे तुमको रोकेंगे नहीं? वारे चोरी और ऊपर सीने चोरी। चोरी? वो हमारा खेत है। तुम्हारा खेत? गिरवी रखे थे हम उसे तुम्हारे पास। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक तो मैंने तुम पर तरस खाकर खेत रखवाली पे दिया और तुम उसकी कटाई करने लगे। सालों को उंगली पकड़ा खोजा पकड़ लेते हैं। सुन ले चंदर, आइंदा मेरे खेत में हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तो गिरवी के कागज पर अंगूठा लगाया था। ये रखवाली की बात कहां से आ गई? मेरे पास वक्त नहीं तुमसे बहस करने का। जमीन का काम भाई साहब देखते हैं, उनसे बात कर लेना। अरे कोई है? साले हराम खोरों ने एक तो इन्हें पीट कर अधमरा कर दिया, बेहोश कर दिया, और अब कह रहे हैं कि खेत हमारा है। कागज पर अंगूठा ले लिया तो खेत मरे पड़ों के बाप को हो गया। कीड़े पड़ेंगे इनमें। बेटा रमेश। बाबूजी। खुश रहो। क्या कैसा है बाबूजी? ताऊ भैया बहुत मुसीबत आए गई। वो जमीन जो हमने गिरवी रखी थी सुरेश के पास, वो फसल नहीं काटने दे रहे। अच्छा? हाँ, कह रहे हैं कि वो जमीन तो हम उनको बेच चुके। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कुछ करो। एक मिनट। लगता है साहब अभी फ्री हैं, अभी बात कर लेते हैं। सर? सर हमारे ससुर जी आए हैं गांव से, कुछ काम है। छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगी? नहीं सर। सर हमारे ससुर जी आए हैं सर खैरी गांव से। उनकी 3 एकड़ जमीन थी सर गांव में, तो उन्होंने जमींदार के पास गिरवी रख दी थी। उसने पता नहीं कौन से कागज पर अंगूठा लगवा लिया। अब वो कहता है कि जमीन उसने बेची, फसल काटने नहीं दे रहा सर वो। आप कुछ करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या नाम है आपका? चंदर वल सुखराम, गांव खेरी, तहसील सुहागपुर। सरकार लगातार तकावे दे रहे हो, खसरा चकबंदी सब सही है? हाँ सरकार। ठीक है, मैं अभी जांच करवाता हूँ। रमेश मूर्ति को बोले फोन करे। तुमने कोरे कागज पर अंगूठा लगाया था? नहीं हुजूर, गिरवी के कागज पर। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये गिरवी का कागज था? पढ़ा था? मुनीम जी ने पढ़ा था, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता हुजूर। अरे ऐसे तो किसी भी कागज पर अंगूठा लगवा लिया होगा, पढ़ लिख लिया होता तो कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। मूर्ति इनसे एक कंप्लेंट लिखा लो। हाँ, कौन सी तहसील बतलाई? सुहागपुर। सुहागपुर। और एसडीओ को मैसेज दो कि तुरंत इंक्वायरी करके मुझे इन्फॉर्म करे। ओके? ठीक है, मेहरबानी सरकार। सरकार एक गिनती है, खेत में फसल खड़ी है, जरा जल्दी। 3-4 दिन में हो जाएगी। मेहरबानी सरकार। कहा सीधे कलेक्टर से बात हुई,
बोले 2-3 दिन बाद इंक्वायरी करवाऊंगा। अच्छा रोटी खाता हूं। का है कछु करा कलेक्टर ने? तुम्हारा दमाद मिले कि नहीं? अरे मैंने इंक्वायरी करा दी, सीधे कलेक्टर से बात की, उन्हें आर्डर कर दिया तुरंत जांच की जाए। अरे नहीं, हमरो दामाद की भी बात थी, उन्हीं के दफ्तर में चपरासी है। मैं बोला सरकार हमारी फसल खेत में तैयार खड़ी है, जरा जल्दी देख ले। कहने लगे चिंता मत करो, तुरंत जांच होगी, अब पता चलेगा जो सरकारी इंक्वायरी हुई जे है। अब देखता हूं इनको कैसे बदमाशी करते हैं हमसे। अरे बाप का राज समय रखा है का? प्रजातंत्र है। राम राम, कछु सुनी छोटे भैया? चंदर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है आजकल गांव में। अच्छा? हाँ, ये दत्तू कह रहा था। हाँ छोटे भैया, उसका दामाद है ना कलेक्टर के दफ्तर में, बड़ी बड़ी बातें तो करेगा ही। कह रहा था कलेक्टर साहब जांच करवाने वाले। हाँ मालूम तो पड़ा था, क्या करें आजकल चीटियों के फर निकल रहे हैं। मोती तुम जाकर पटवारी को बुला लाओ और कहना जमीन के कागजात ले आए। छोटे भैया, अपन ने जब अंगूठा लिया था गिरवी के कागज पे, उस समय 2 गवाह और थे। कौन? एक तो फाल्गुनी जिसका खेत चंदर के खेत से लगा हुआ है, और दूसरा अपने लालाजी का नौकर वो जॉन सिंह। अच्छा जीवन, जरा लालाजी को बुला ला और हरियत तू जाकर फाल्गुनी से निपट ले। हाँ। तो भैया तुम्हें गवाही देनी होगी। हमारे गवाह तो तुम ही दो। फाल्गुनी तुम सच सच बोल देना, मुनीम का बोला था हमसे? मैं तो सफा सफा कह दूंगा भैया कि असली बात का है। और जे भी बोलना, हरिया और उसके लोग जब मुझको पीट रहे थे तब भी तुम वहां थे। बिल्कुल चंदर, तू डर मत, मैं सब सच्ची बात बोलूंगा। और जॉन सिंह तू भी ऐन वक्त पर मुंडी लटका के खड़े मत हो जाना, सरकारी इंक्वायरी है, धीरे धीरे सोच समझ कर बात करना। और हाँ, तू तो मेरे साथ पटवारी के पास भी गया था तकाबी चुकाने के लाने। और का हमने जो देखा सुना सो कहेंगे। सही है, अपना पक्ष सही है तो डर काहे का। पैसे की बहुत गर्मी है, अब समझ में आएगा। कैसी चांदी कट रही लाला जी? खूब चांदी कट रही, आजकल तो फुर्सत ही नहीं है। आओ पटवारी महाराज, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। अरे भैया, पटवारी का काम ही ऐसा है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। फिर आपकी खबर आई, हमने सोचा कि आपके सारे कागजात फिर से देख लें, कोई कमी बेसी ना रह जाए, अपना काम टिप टॉप होना चाहिए। और फिर आपका काम है छोटे भैया? अरे पटवारी महाराज, काहे चने के झाड़ पे चढ़ाते हो, लीजिए चाय लीजिए। और क्या खबर है? खबर ये है कि कलेक्टर साहब ने मैसेज भेजा एसडीओ साहब को, एसडीओ साहब ने तहसीलदार को यहाँ भेज दिया, मैं ईके लाने तहसीलदार साहब से भी मिल आया। वे कह रहे थे कलेक्टर साहब के यहाँ काम कर रहे चंदर को दामाद, सो इतना हो गया। खैर तहसीलदार साहब से सारी बात हो गई,
समझदार अफसर है, सब समझ गया। कह लगे कि कलेक्टर साहब का जरा पर्सनल इंटरेस्ट है, इंक्वायरी जरा कायदे से होना चाहिए। आप अपना काम देख लें, बाकी हम सब निपट लेंगे। लाला जी, चंदर का एक गवाह आपकी दुकान पर नौकर है। कौन? जॉन सिंह। बस इतनी सी बात, उसे तो मैं अपने किसी भी काम से शहर भेज दूंगा। ठीक है। और हरिया, तुम जाकर फाल्गुनी को समझा देना। हाँ। अरे फाल्गुनी। कौन है? सुना है तू गवाही देने वाला है? बाल बच्चेदार आदमी हो, साल भर बाद छोकरी की शादी करने, अब दुश्मन पाल के क्या करोगे? गवाही तुम दोगे, लेकिन जानते हो छोटे भैया को गवाही कल्लू ने भी दी थी, समझे? तो समझ कर गवाही देना, दुनिया में कितने दिन जिंदा रहना है। क्या देर क्या लगा दी? को अभी लकड़ी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। कह दिया है मैंने, हो जाएगा। सर कार्रवाई शुरू करें। हाँ हाँ। कलेक्टर साहब के दफ्तर में चंदर गोसाई बल्द सुखराम गोसाई गांव खेरी तहसील सोहागपुर ने दिनांक 7/4/76 को शिकायत दर्ज कराई है कि दिनांक 5/4/76 को श्री सुरेश यादव बलदराम तीर्थ यादव के आदमियों हरिया हीरा और मोती ने चंदर गोसाई को उसके खेत खसरा नंबर 53/4 से फसल काटने से रोका और गाली गलौज तथा मारपीट की। क्यों भाई, ठीक है ना? जी सरकार। सुरेश बाबू, आपका क्या कहना है? सा हुआ यार कि आज से 3 साल पहले चंदर की लड़की की शादी थी, तो वह मेरे पास अपना खेत बेचने आया। मैंने उसको 7,000 रुपये दे दिए। गांव का मामला था, भाईचारे में मैंने जमीन उसी को रखवाली पर दे दी और पटवारी जी के पास जाकर जमीन कागजात तैयार करवा लिए। आगे बोलिए। और इसकी तकाल वगैरह भी लगातार चुकाते रहे सर। ये है इनकी तकाजे के कागज। एक तो इसे खेत रखवाली पर दिया और ये फसल काट कर चोरी कर रहा है। साहब ये झूठ है। जोन सिंह और फाल्गुनी भी थे उते, वे बताएंगे सच सच। इनने तो गवाही में अंगूठा भी लगाया था। कौन सी गवाही? हुजूर, मैंने खेत बेचा नहीं, गिरवी रखा था और मैंने 7,000 रुपये नहीं 3,000 रुपये लिए थे। हुजूर, ये मुनीम जी मुझसे बोले, भैया लेन देन का मामला है, लेखा पड़ी जरूरी है, और मेरे आगे गिरवी के कागज धर दिए। सो मैंने अंगूठा लगा दो। जॉन सिंह और फाल्गुनी भई थे, उनने भी गवाही में अंगूठा लगाया। ये झूठ बोल रहे हैं सरकार। क्यों तेरे क्या मतलब? हम झूठ बोल रहे हैं? अबे तेरी क्या औकात है, बता दी साले मार मार के हाथ पे। अबे चुप, तुझे लगता है कि तेरे एक खड़े से खेत के लिए हम झूठ बोलेंगे? उसमें तो है ना तू। झूठ नहीं तो और का है? खेत मैंने गिरवी रखा था, अंगूठा का लगा दिया, खेत तुम्हारे बाप का हो गया। हुजूर, फाल्गुनी जॉन सिंह वही थे। ये जॉन सिंह कौन है? हमारे यहाँ काम करता है, हफ्ता भर पहले शहर गया है। फाल्गुनी है साहब,
वो सच सच बताएगा। साहब मैं हूं। नाम क्या है? फाल्गुनी बल्द बारेलाल। तुम्हारा क्या बयान है? बोलो फाल्गुनी, सच सच बोलो। बताओ भाई, चुप क्यों हो? देहाती आदमी है, जरा बोलने में शर्माता है। अरे बोलो भाई, जमीन बेचने की बात हुई थी? हाँ। जरा जोर से बोलो। हाँ हाँ, किस बात की? बेचा या गिरवी रखा? बेचा। कागजात गवाह सब तो सुरेश बाबू के पक्ष में है, न्याय भी इन्हीं के पक्ष में होगा। साहब ठीक तो है, अब बचा ही क्या? सुरेश बाबू आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आइए चलिए चाय वाय पीते हैं। ये तुमने का किया? काय के लाने? मैं तुम्हारा का दुश्मन था? हमारी सात पीढ़ियां खप गई जे ही गांव में, साथ साथ काय जे दिन देखने के लाने? मैं तो मिल गया मिट्टी में, सब ही खत्म हो गया। तुम बोलो, तुम झूठ काय के लाने बोले? अरे ना बोलते कुछ, चुप बैठे रहते, पर झूठ काय के लाने बोले? अपनी जमीन के लाने? तो तुम्हारी जमीन अपनी आंख से देखे हो तुम, कैसे सबकी जमीन धीरे धीरे इन हरामियों के पेट में चली जा रही है। एक एक कर आदमी उजड़ रहा है। गणेश का कहा हुआ? त्रिभुवन का खेत कहां है? कहां गया रमुआ? तुम सोचते हो कि तुम बच जाओगे? एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा जो हमारे साथ हुआ। आज तुम हमारे साथ खड़े नहीं हुए, कल तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? जाओ। क्या बताएं, गरीबों के माथे पर ही बदकिस्मती लिखी है। नहीं भैया, माथे पर नहीं, उस कागज पर लिखी होती हमारी किस्मत, जिस पर हम बिना पढ़े अंगूठा लगाए थे।